What's up guys, कैसे हो आप लोग? Another day and another short ride. So today we are heading out to the Pathweaver store in Okhla. And why we are heading out is something that is really getting me excited. I am prepping up for a long ride to Ladakh. Ladakh जाने का scene बन चुका है. And इस बार जो हम areas explore करने वाले हैं वो Pangong, Nubra नहीं होने वाले, वो थोड़े से different areas होने वाले हैं. And ride पे जाने से पहले I just wanted to get my tiger checked once at the Pathweaver store. थोड़ा सा general checkup करा लेना चाहिए बाइक का, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रिप होने वाला है, अराउंड 2,500-3,000 किलोमीटर तो ईजिली होगा. सो आई डोंट वॉन्ट एनी इशूज़ टू कम ड्यूरिंग द राइड, क्योंकि जिन एरियाज़ पर हम जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिमोट है, वहाँ पर कोई हेल्प नहीं मिलने वाली अगर कुछ भी बाइक में होता है तो. There are 5 people who are going in total on the ride, including me. I hope हमें landslides वगैरह ज़्यादा ना मिले route में, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा मानसून में नुकसान हुआ है पहाड़ों में. बट पिछले कुछ दिनों से जो मौसम हो रहा है ना दिल्ली NCR में, एंड इवन जो पहाड़ों में भी मौसम हो रहा है, वो लग नहीं रहा है ऐसा मौसम अभी ख़राब हुआ था. इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो चुकी है, मुझे ना लिटरली हेलमेट वगैरह पहनने में भी ना बहुत बार सोचना पड़ रहा है. खड़े खड़े चलते हुए भी इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है. आई होप हम जिस दिन राइड स्टार्ट करें इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, क्योंकि मनाली पहुँचना होता है फर्स्ट डे, और वहाँ पहुँचने में ना सबसे ज़्यादा बैंड बजता है, सबसे ज़्यादा. मेरा तो ये मानना है कि आपकी व्हीकल, आपकी गाड़ी या बाइक सबसे ज़्यादा मनाली पहुँचने में गंदी होती है. उसके बाद चाहे इतनी गंदी हो ना हो, बट जिस टाइप की कंस्ट्रक्शन और रोड कटिंग वगैरह चलती है, उससे बाइक की और गाड़ी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है. सो एक और चीज़ जो छोटा सा इशू मैं भी फेस कर रहा हूँ, वो है अपनी हेलमेट के साथ. अगर आप मेरी हेलमेट को देखो अभी, अगर आप ये वाइज़र देखो मेरा, इसमें जो पूरा का पूरा जो प्ले है वो ख़त्म हो चुका है. इसको मैं ऊपर करता हूँ, हल्की सी हवा लगती है, धाड़ करके नीचे बंद होता है, और बहुत ज़्यादा ना एकदम से शॉकिंग सा लगता है हाई स्पीड राइडिंग पे. आइडली ये वाइज़र कहीं भी रुक जाना चाहिए बीच में. तो इसके अंदर के ग्रूव्स शायद थोड़े से घिस चुके हैं, तो इस चीज़ को देखते हैं. अगर होपफुली वहाँ पर कुछ सोल्यूशन मिल पाए तो बेटर है. मैं सिर्फ एक वाइज़र ख़राब होने के कारण नया हेलमेट ही लेना चाहता. इशू ये है कि HJC की जो हेलमेट्स होती हैं ना, इनका वाइज़र इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है. इवन फॉर द टॉप ऑफ द लाइन हेलमेट्स वाइज़र इतना ज़्यादा रेडीली अवेलेबल है नहीं. सो लेट्स सी कैसे ठीक होता है ये. अनदर थिंग दैट इज़ ऑफ कंसर्न टू मी आर दीज हीटेड ग्रिप्स. अगर आप इन हीटेड ग्रिप्स को देखो ना अभी, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका पूरा टेक्स्चर ना थोड़ा सा मेल्ट आउट हो गया. ये मेल्ट आउट कैसे हुआ है? धूप में मैंने काफ़ी दिनों तक शायद बाइक खड़ी छोड़ दी, तो ये जो आप टेक्स्चर देख रहे हो ये सारी चीज़ मेल्ट आउट हो चुकी है. एंड ये जो ग्रिप्स थोड़ी सी मेल्ट आउट हो रही है ना, इसके कारण ये थोड़ी सी पतली हो गई हैं, इनकी थिकनेस कम हो गई है. मुझे थोड़ा सा ये भी डर लग रहा है राइड पे जाते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी की पूरी ग्रिप ही फट सी जाए और फिर हमारी लिटरली राइड पे हालत ख़राब हो जाए. तो मैं इसका भी कुछ ऑल्टरनेट सोल्यूशन देखते हैं. मुझे लगता नहीं हीटेड ग्रिप्स की इस बार पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम समर्स में जा रहे हैं, एज सच कोई अक्टूबर में नहीं जा रहे जो सर्दी बढ़ती है. तो होपफुली इस पर कुछ ग्रिप पपीज वाली दूसरी ग्रिप लगाते हैं. एक अलग ब्रांड आती है 1200-1300 की, उसकी ग्रिप्स आती हैं, वो देखते हैं. क्योंकि अगर मैं हीटेड ग्रिप एज सच चेंज करवाने गया ट्रायंफ से, तो एक लंबा खर्चा हो जाएगा और उसके लिए गुड़गांव भी जाना पड़ेगा. जैसा मैं कह रहा हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है इनफैक्ट, कि ना राइडिंग गियर पहनने का ही दिल नहीं करता. बट क्या करें यार, सेफ्टी के लिए पहननी तो पड़ती है. आज राइडिंग जीन्स पहनी है मैंने, फुल बूट्स पहनने का दिल नहीं था, फिर भी मैंने राइडिंग शूज़ पहने हैं. अगर आपको नीचे दिख रहे हैं, ये मेरे पास एल्पाइन स्टार के पड़े हैं, जो मैं बहुत जिस दिन गर्मी लग रही होती है ना तब पहनता हूँ. इनमें भी अच्छी खासी प्रोटेक्शन है. सो कोशिश यही रहती है अपनी कि गर्मी चाहे जितनी मर्जी हो, बट कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए राइडिंग गियर में. फुल ऑन क्लाइंब की जैकेट पहनी हुई है हमने, हेलमेट वेलमेट सब पूरा है मामला. अब एक्चुअली होता क्या है कि बाइक का चेकअप इसलिए करवाना भी ज़रूरी होता है कि मैं बीच बीच में ना बाइक को बहुत ज़्यादा चलाता नहीं हूँ. अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, देन यू गाइज़ वुड नो कि मैं बीच बीच में पिछले एक्चुअली लास्ट 3 वीक्स से आई वॉज राइडिंग डिफरेंट बाइक्स. मैंने TRK 502 चलाई थी, स्ट्रीट ट्रिपल RS चलाई थी, उसके बाद होंडा CB500X चलाई थी. तो वो सब करने के चक्कर में ना अपनी बाइक चलाने का मौका ही नहीं मिलता. एंड बंदे को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि मेरी बाइक टॉप कंडीशन में है, स्पेशली अगर वो लद्दाख राइड पे जा रहा हो तो. इसलिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ये चेकअप मेरे लिए कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कोई मेजर इशू है तो अभी मेरे पास 3-4 दिन हैं निकलने से पहले, वो ठीक होने का अभी चांस है. लास्ट डे कराएंगे चेकअप, तो लास्ट डे कराने के बाद अगर कोई इशू निकल आया तो आपके पास टाइम भी नहीं है, आप राइड पे लेट हो जाओगे. सो गाइस, बाइक में अभी चला रहा हूँ, अभी 5 दिन है राइड में, बट मेरे ना आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा, एक ना दिल में एक अलग सी खुशी आ चुकी है कि हम लंबी राइड पे जाएंगे और 10-11 दिन 12 दिन सिर्फ बाइक ही चलानी है. ये जो फीलिंग होती है ना यार, अनपैरेलल्ड फीलिंग है, इसकी अलग ही खुशी होती है. एक्चुअली बॉडी ना बहुत ज़्यादा सफ़र करती है जब आप बैक टू बैक हर दिन राइड करते हो, लंबी राइड करते हो, टफ टेरेन में राइड करते हो, बट जो मन होता है ना एकदम खुश हो जाता है राइड करके.
उसके बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, आपने राइड करी है ऐसी सुंदर जगह पे, तो वो वाली फीलिंग के लिए हम लोग सारे राइड करते हैं यार, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फिजिकली अगर कोई आपको बंदा कहे कि मैं 12 दिन 13 दिन हार्ड राइडिंग कर आया हूँ और मैं नहीं थका, चाहे कोई भी बाइक हो, मैं कहता हूँ यार 1250 GS चलाओ, मैं कहता हूँ आप सोफे पे बैठ के राइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी ना इतनी देर अटेंटिव रह के रोड पे थोड़ा सा थकती ही है। सो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट गेटिंग दैट पीस इन योर माइंड आफ्टर द लॉन्ग राइड। वो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज समथिंग दैट ओनली अ राइडर वुड अंडरस्टैंड। अगर आप राइड करते हैं तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आप सामने इस रियर व्यू मिरर में देख पा रहे हो मुझे, मैंने अपने ना मोटो गॉगल्स लगाए हुए हैं स्कॉट के। ये लगाने का मुझे अभी सिर्फ दो फायदे हैं, एक डेफिनेटली मुझे अंदर हेलमेट में हवा जा रही है, और दूसरा ये जो मेरा वाइजर का मैंने आपको इशू दिखाया ना, ये वाइजर रुक जाता है, बार बार नीचे नहीं आता, क्योंकि मोटो गॉगल्स की जो रबर बेल्ट है वो बीच में आ जाती है उसके रास्ते के। तो मैंने इसे एज अ मेकशिफ्ट जुगाड़ अभी यूज़ किया हुआ है, जिससे बार बार वाइजर बनना हो, क्योंकि जितनी गर्मी है अभी उसमें अगर मैंने वाइजर को बंद करके बाइक चलाई तो भाई साहब अंदर ना अच्छा खासा पसीना आ जाना है। ये जुगाड़ अभी चल रहा है, इस जुगाड़ के साथ मैं लद्दाख नहीं जा सकता। इशू ये है वहाँ पर ठंडी हवा होती है और ड्राई एयर होती है, तो अगर आप अपना वाइज़र खुला रखोगे एक तो आपको बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होगी और सर्दी लगने का भी बहुत डर है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट कर रहा मैं बात कर रहा था कि कितनी ज़्यादा गर्मी है और एकदम से यार क्या मौसम चेंज हो गया, बादल आ गए हैं और प्लेजेंट हो गया वेदर राइड करने के लिए, तो कोई ऊपर सुन रहा है हमारी परेशानी समझ रहा है लगता है। तो अगर मौसम ठीक हो गया है तो बाइक को खींचते हैं थोड़ा, बड़े दिनों से खुल के नहीं चलाइए, दूसरी बाइकें चला चला के ना उनकी आदतें हो गई हैं, आज इसको खींचते हैं अपनी प्लैंका को। लो जी, मतलब बारिश ही होना शुरू हो गई अब तो पूरी प्रॉपर, पर चलते रहते हैं यार हम बारिश में ना, सिटी में बारिश में रुकने का मुझे कोई ऐसा पॉइंट नहीं लगता। और इवन राइड करते समय भी ना, अनटिल अनलेस देयर इज हैवी डाउनपोर दैट इज हैपनिंग, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही हो, तभी रुकता हूँ मैं। अदरवाइज ना आप राइड कर रहे हो, आप चलते जा रहे हो, तो देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग द एरिया दैट इज गेटिंग रेन रादर देन स्टॉपिंग एंड वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप। पूरी बारिश और अब फिर से धूप, चढ़ा दो चढ़ा दो अफ्रीका ट्विन्स। कितने लीटर का? 30 लीटर। आफ्टर दिस पूरी अच्छी तरह से डिबेट हो गई कि कौन सा सॉफ्ट बैग हमें लगाना है पिलियन सीट पे। मेरे पास एक टॉप बॉक्स तो होगा यहाँ पे, तो एक सॉफ्ट बैग देख रहा था। सो फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन हमने बैग को फाइनलाइज कर लिया। वो देख रहे हो सामने जो फ्लोरेसेंट कलर का बैग है वो फाइनलाइज किया, दैट इज द ड्राई बैग 360 फ्रॉम SW मोटेक। और साथ ही साथ हमने ग्रिप पपीज भी ली हैं, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो बेसिकली हमारी ग्रिप को बचाएंगी पूरी ट्रिप पे। इसका जो माउंटिंग मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी ईजी लगा मुझे, एंड जो स्ट्रैप्स प्रोवाइडेड है दैट इज़ अ मेन थिंग। क्योंकि नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि आपका बैग ना आगे स्लाइड करता है सीट पे, जैसे जैसे आप ट्रिप पे ब्रेक मारते हो रोड पे, वो नहीं हो रहा है इसमें, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और ये सारी जो क्लाइम की बहुत सारी जर्सीज हैं और लाइनर है, ये सब लेने का दिल करता है पर पता नहीं ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है। यहाँ पे 5,000 का लाइनर है क्लाइम का, ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत सही होती है, बट आई थिंक अपने ट्रिप पे मैं मेरिनो वूल लाइनर जो है मेरे पास उससे ही काम चलाऊंगा। सो जनरल सर्विस चेकअप कराने के नाम पे ना एक नया खर्चा निकला है, वो है बेसिकली पूरा का पूरा चेन स्प्रॉकेट चेंज करना टाइगर में। और बाइक हमारी चली है अभी 21,000 किलोमीटर्स, तो 21,000 किलोमीटर्स एक सही किलोमीटर्स की माइलेज है, जिसमें नॉर्मली बाइक्स में चेन स्प्रॉकेट चेंज होता है 20-25 के बीच में। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो पूरा हमारा चेन टाइट करने का जो प्ले होता है ना, पूरा ख़त्म हो चुका है आफ्टर 21,000 किलोमीटर्स।
तो ये पूरी की पूरी चेन हमारी चेंज होगी, स्प्रॉकेट चेंज होगा। ये पूरा जो चेन स्प्रॉकेट का चेंज है अनएक्सपेक्टेड था, बट क्योंकि 2500 किलोमीटर्स की राइड होने वाली है और ऐसे एरियाज में होने वाली है जहाँ पे बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं मिलना, तो आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क, दैट्स व्हाई एम गेटिंग द चेन स्प्रॉकेट चेंज एज वेल। सो सोच के जो मैं आया था सिर्फ एक रैम माउंट वाली बॉल लेने के लिए एंड मैक्स ग्रिप पपीज लेने के लिए, उसमें ये एक मोटी चीज़ ऐड हो गई है, पर ठीक है, ये अगले 20,000 किलोमीटर तक चलेगी। एंड दिस इज़ द न्यू स्प्रॉकेट दैट वील बी इंस्टॉलिंग एंड ये हमारी DID की चेन है, सो ये दोनों चीज़ें लगेंगी अभी। यहाँ पे ये एक हायबुसा आई हुई है पुरानी वाली ब्लैक, व्हाट अ बीस्ट, लुक्स ऑसम। एंड देर इज़ अ BMW 1250 GS अलॉन्ग विद द कीलेस मैकेनिज्म। तो ये पूरी की पूरी चेन के एक लिंक को स्मूदन आउट किया है, अभी चेन निकल गई। सो अब हमारा न्यू स्प्रॉकेट लग चुका है विद दैट शाइनिंग न्यू चेन। सो इट डजंट गो ऑलवेज द वे यू प्लान्ड, केम बाय द टाइगर 800 गोइंग बैक बाय द कैब। यू सॉ व्हाट वाज हैपनिंग टू द मोटरसाइकिल एट द पाथ पेपर स्टोर, वी हैड टू गेट the sprocket change on the Tiger 800. I thought it would be a harmless process, something that needs to be done after every 20 to 25,000 kilometers. That's why I decided to give it a nod. But the whole process turned out to be a little more convoluted. I thought it would get changed in like 1 or 2 hours maximum. But I think even after fitting the new chain and sprocket, there was some issue in the alignment because of which I was not able to get the bike back. And hence I am going home via cab. I'll have to come back maybe tomorrow or day after tomorrow, because Tuesday is when we start the ride, tomorrow is Friday, and Saturday and Sunday would be very busy, so hopefully we get the bike back tomorrow. So a lot of things are still pending and this new variable has come into play, so keeping my fingers crossed that everything goes well and we remain on schedule with our ride to Ladakh. Let's see how things pan out. So that was it for this video, guys. I hope you enjoyed the day and the unintended adventure that happened. If you like the video, you know what to do. Hit the like button, share the video, and subscribe to the 23 Rides channel. I'll see you in the next one, guys. Bye bye.